हेलो बच्चों, तो अब इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं गोल सेटिंग। ठीक है, व्हाट इज गोल सेटिंग? गोल का मतलब क्या होता है? मतलब कि सेटिंग वर्ड तो अब सबको समझ में आता है। जब हम मोबाइल चलाते हैं तो उसका पूरा खेल किस पे डिपेंड करता है? सेटिंग का। मोबाइल सभी चला रहे हैं, इस वीडियो को भी सब देख रहे हैं, तो मोबाइल के थ्रू ही देख रहे हैं, लैपटॉप के थ्रू देख रहे हैं। तो हमने ये वर्ड्स बहुत सुना है कि ये इसकी सेटिंग ख़राब हो गई है, ये इस तरीके से नहीं चल पा रहा है, हमें कुछ यहाँ चेंजेस करने पड़ेंगे, राइट? तो गोल, अब हम बात करें किस सेटिंग की बात करें, तो गोल सेटिंग की, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट, राइट? गोल सेटिंग मतलब होता है लक्ष्य का निर्धारण करना। ठीक है, हमने पहले भी बात करी थी इस चीज़ की हमारे लास्ट वीडियोस में, कि अगर हमारे पास लक्ष्य नहीं है तो हमारे पास रास्ते ही नहीं कि कौन से रास्ते पे आगे हमें बढ़ना है, राइट? तो देखिए, सबसे पहले आप गोल अगर हम सेट कर लेते हैं तो उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट इम्पोर्टेंट है मोबालाइजेस एनर्जी, मतलब हमारे पास जितनी भी एनर्जी है, अगर हमारे पास कुछ गोल है तो हम उसको करने के लिए हमारी सारी एनर्जी को एकत्रित करके, टुगेदर करके उस पर काम करना शुरू करते हैं, राइट? नेक्स्ट इज इंक्रीज चांसेस ऑफ सक्सेस। या ऑब्वियसली लक्ष्य रहेगा तो पता है कहाँ जाना है, राइट? रास्ता पता है कहाँ, कौन सा रास्ता हमें आगे बढ़ाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से हम सक्सेस की तरफ जाने में हमारे कदम इजीली आगे बढ़ते हैं, राइट? नेक्स्ट इज इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन। यस, एकाग्रता को बढ़ाता है, क्योंकि अब हमारा माइंड इधर उधर कहीं भी दौड़ नहीं रहा है, हमारा माइंड हमारे गोल की तरफ आगे बढ़ रहा है, इससे हमारी एकाग्रता बढ़ रही है कि हमें उसी सेक्शन में काम करना है। नेक्स्ट इज असेसेस परफॉर्मेंस। यस, ऑब्वियसली परफॉर्मेंस देता है, जब हमें पता है ये गोल है तो हम उस पर काम करेंगे तो अपने आप परफॉर्मेंस देंगे, राइट? नेक्स्ट इज प्रोवाइड्स मोटिवेशन। देखिए, कोई चीज़ हमारे इंटरेस्ट की हो, कोई चीज़ हमारे करने की हो, कोई गोल हमारे सामने हो, तो उसको पूरा करने के लिए व्यक्ति अपने आप मोटिवेट होता है और दूसरे भी उसे मोटिवेट करते हैं, मतलब प्रेरित करते हैं। तो अगर गोल आगे है, सामने है, जैसे मेरे सामने गोल है आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट का रिवीजन कराना अच्छे से अच्छे रूप में, तो मैं इस चीज़ से मोटिवेट हो रही हूँ कि मुझे मेरे बच्चों को अच्छे से अच्छा देना है, अच्छे से अच्छी थ्योरी देनी है, राइट? जो कि प्रैक्टिकल में कन्वर्ट कर पाए मेरा बच्चा, राइट? तो इस तरीके से ये एक मोटिवेशन का काम भी करता है। नेक्स्ट इज इंक्रीज अवेयरनेस। यस, ऑब्वियसली जब किसी चीज़ पर काम करोगे तो उस चीज़ के लिए सब चीज़ें ढूंढना कोशिश करोगे, अपडेट होते रहोगे, तो अपडेट होते रहोगे तो अवेयरनेस आपकी अपने आप बढ़ेगी, उस चीज़ के बारे में जागरूकता आपकी अपने आप बढ़ेगी, राइट? देन स्पेसिफिक प्रायोरिटीज़। जब आप किसी पर्टिकुलर गोल पे काम कर रहे हैं तो आपको पता है किस चीज़ को प्रायोरिटी देना है, किस चीज़ को पहले रखना है, किस चीज़ को बाद में रखना है। तो अगर गोल आपका बना हुआ है तो आप उस तरीके से प्रायोरिटीज़ देने में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इन दिस वे वी हैड लर्न इम्पॉर्टेंस ऑफ गोल सेटिंग। थैंक यू।